आज हम आपको बताएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और मैं आज पूरा डी ब्लॉक इस पर बनाने वाला हूं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद समझेंगे। तो स्कैंडियम हो जाएगा, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, यहां पे मैग्नीज हो जाएगा, यहां पे आयरन, कोबाल्ट, निकल हो जाएगा, कापर, और यहाँ पे जिंक हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन सब एलिमेंट को याद कैसे करना है। स्कैंडियम के नीचे आएगा अभी मैं एक एक करके इन सब एलिमेंट का नाम भी आपको बताते जाऊँगा, और इनको कैसे याद रखना है, इनको याद रखने का ट्रिक सब कुछ मैं आपको बताते चलूँगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक का सीरीज़ आपके बोर्ड पे बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम लोग याद करेंगे और ट्रिक भी समझेंगे याद लर्न करने का। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि इस वीडियो का जो लेक्चर फर्स्ट है वो अपलोड किया जा चुका है। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहली बार ना देखें, क्योंकि ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, वीडियो को जो लेक्चर सेकंड वाला आज हम बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप समझते हैं, एक एक एलिमेंट का हम लोग पहले नाम समझेंगे। इस एलिमेंट का नाम है स्कैंडियम, इसका नाम है टाइटेनियम, इसको पढ़ते हैं वैनाडियम, इसको पढ़ते हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हो गया। और यहाँ पे हर एक सीरीज़ में 10 एलिमेंट मिलेंगे। इसको पढ़ते हैं इट्रियम, जिंकोरियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रहेनियम, ये हमारा हो जाएगा रुथेनियम, रहेनियम। इसको पढ़ते हैं पैलेडियम, यहाँ पे ये सिल्वर है और ये कैडमियम है, ये हो जाएगा। अब ये एले और एसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहली बात कि जब हम लोग चेक करेंगे तो एले और एसी के जगह से दो टेबल निकाल करके यहाँ पे नीचे बनाया गया है पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। तो कुछ पीरियोडिक टेबल में एल ए और एसी को उनको साथ ऐड किया रहता है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि जो एल ए होता है इसका नाम लेंथेनम है, इसका नाम एक्टिनम है। ये दोनों एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक के होते हैं। अब इसको पढ़ेंगे लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, ये टेंटेलम है टी ए, इसको पढ़ते हैं टंगस्टन, इसको पढ़ते हैं रहेनियम, ये हमारा है ऑस्मियम, इसको पढ़ते हैं इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। अब ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको याद कैसे रखेंगे, तो इनको याद रखने का ट्रिक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, मैं एक वर्ड को दोबारा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो है, तो वीडियो में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक है टी जरा हाफ, इसको याद करने का ट्रिक है वो नवाब था क्राउन मोती वाला मन तक रहे फिर रूठा ओसनम, कौन रहेगा आयरलैंड नहीं पढ़ोगे पिटोगे। अब इसको भी आप बना सकते हैं, इसका मैंने वैसे बनाया नहीं है क्योंकि ये तो इजीली याद हो जाते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। अब आगे बात करते हैं।
अब ये हो गया इनको याद करने का ट्रिक। बोर्ड पे जितना लिखा गया ये सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे ये जो नीचे बॉक्स है इसमें हम लोग एलिमेंट को ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि ये एलिमेंट ज़्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं तो इनके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। अब बचे ये ऊपर वाले, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 39, इसका होता है 57, इसका होता है 89, ठीक है। अब 21 स्कैंडियम का होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 22, 23, ऐसे ही फर्दर आगे बढ़ते चलेंगे तो इसका क्या बनेगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये बनेगा एटॉमिक नंबर। इसका 39 है तो इसका क्या बनेगा 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, इसका 46 बनेगा, इसका बनेगा 47, इसका बनेगा 48। मतलब अगर इसको हम लोग याद रखें तो फर्दर हम लोग नंबरिंग करते आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका चेक करेंगे तो इसका एक याद रखना पड़ेगा आपको, इसके लिए इसका हम लोग कराएगा यहाँ पे 72 और यहाँ पे 73 हो जाएगा और इसका 74 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 75, 76, 77, 78, 79, 80 पे चला जाएगा। तो मतलब स्पेशली अगर इसका 21 पता रहे तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, इसका अगर 39 पता रहे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि इसका 72 होता है, यानी बीच में यहाँ से यहाँ तक के जो 12 एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग ए ब्लॉक में पढ़ते हैं। रीज़न होता है कि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सबसेल में इंटर करता है, और दूसरा बात यह है कि अगर उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में यानी इनके बीच में ऐड करते तो ये टेबल बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए उनको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया, ठीक है। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के बाहर रखने का रीज़न यही था, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में खुद डी ब्लॉक एक अपने आप में बड़ा होता है। आगे चलते हैं, अब ये हो गया। अब इनके पीरियड को कैसे याद रखेंगे, तो कल मैंने बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं और पीरियड नंबर 7 तक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो स्कैंडियम वाला सीरीज है ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करेगा। तो ये किस में आएगा, पीरियड नंबर 5, ये आएगा पीरियड नंबर 6, ये आएगा पीरियड नंबर 7, ये हो गया। तो यानी जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक एलिमेंट आएंगे ये 10 एलिमेंट होते हैं, ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करेंगे। जो पीरियड नंबर 5 वाले होते हैं इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक आएंगे ये पीरियड नंबर हमारे 5 से बिलोंग करेंगे। पीरियड नंबर 6 वाले में लैंथेनम और यहाँ पे हमारा मरकरी तक, इसको तो हम लोग छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं कि अब इनका ग्रुप नंबर याद कैसे रखें। ग्रुप नंबर याद रखने का सबसे बढ़िया मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, उससे एकदम इजीली ग्रुप नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इनका ग्रुप नंबर याद रखना है तो सीधे सीधे ग्रुप नंबर याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पे कि स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर को ऐड किया जाए। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका बनेगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3, यानी स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना बना, 3 बना। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4, देन इसको ऐड करेंगे तो 5, 6, 7, 8, और इसको ऐड करेंगे तो 9, और इसको ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो 11। लास्ट में ये हमारा जो ट्रिक है, लास्ट वाला ये जो ट्रिक है, ये हमारा जो जिंक है यहाँ पे, यहाँ पर ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको खुद यहाँ पे 12 लिख देना है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं, तो मैंने जो बताया था वो प्रूव कर दिया। और एक बात कि यहाँ पे मतलब हम जैसे मतलब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कि मतलब यूट्यूब पे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को फ्री में पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जैसे अगर यहाँ पर अगर कोई वर्ड इंग्लिश में लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग हिंदी में भी बोल देंगे, इसीलिए स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं और यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो दोनों लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक बार बता देते हैं कि इस पीरियड को हम लोग हिंदी में आवर्त बोला करते हैं, तो यानी ये आवर्त नंबर क्या है, 4,
ये आवर्त नंबर 5 और ये आवर्त नंबर 6 है और ये आवर्त नंबर 7 है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1, डी में हमारा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, NS एक्स में 1 से 2 भरा जाता है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम लोग N का वैल्यू वहाँ पर पीरियड से पुट किए थे। तो अगर हम लोग यहाँ पर N का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3D। तो मैंने कल बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल में जो चौथे पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोला करते हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो एलिमेंट आते हैं इनको कहते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट। इट्रियम से लेकर के जो कैडमियम तक एलिमेंट आते हैं ये हमारे कहलाते हैं 4D सीरीज के एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग N का वैल्यू वहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एलिमेंट आते हैं वो हमारे 6D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने ये वर्ड यूज़ मतलब बोर्ड पे नहीं लिखा कि ये कितने सीरीज के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड जो है वो सुन करके लिखा जा सकता है। तो इन सब वर्ड को सुनिए और आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो ये टोटल था इसके बारे में कि ये डी ब्लॉक के जो सीरीज थे इनको कैसे याद रखेंगे, और उसके बाद इनका ग्रुप नंबर कैसे याद रखेंगे, इसका पीरियड नंबर कैसे याद रखेंगे। तो स्पेशली अब मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डी ब्लॉक के बारे में, कि डी ब्लॉक के टेबल को कैसे ड्रा करना है, उसके बाद इसमें कितने पीरियड्स होते हैं मतलब आवर्स होते हैं, कितने इसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स को हिंदी में हम लोग समूह कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे समूह से लेकर के 12वें समूह तक हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और पीरियड नंबर इसमें क्या होते हैं, 4, 5, 6, 7 होता है, ठीक है। अब उसके बाद इन सब एलिमेंट को कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया। सेकेंड ईयर लाएंगे ACT जरा हाफ, वो नवाब था, क्राउन मोती वाला, मन तक रहे, फिर रूठा ओसनम, कौन रहेगा आयरलैंड, इसी तरह मैंने आपको बता दिया। ये याद करने का ट्रिक था। ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक नंबर को ऐड कर देंगे, पीरियड नंबर ऑलरेडी पता हो गया। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको देखिएगा, बनाइएगा और उसके बाद लर्न करिएगा, और कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को क्या समस्या है, तो आप लोगों का समस्या दूर करने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अब इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा जो था ओवरऑल जो व्यू था मतलब समरी था, ये डी ब्लॉक के बारे में था। मैं चाहता तो इसके आगे वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब हम लोग कल नए लेक्चर में आए हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कल कुछ नए नए वर्ड यूज़ करूँगा जिससे आपको मिलवाऊँगा, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं कल बोलूँगा अगर पैलेडियम, तो आपको पता होना चाहिए कि पैलेडियम का सिंबल जो होता है PD होता है। अगर मैं कल बोलूं गोल्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड का जो सिंबल होता है AU होता है। प्रॉपर अगर लोग एटॉमिक नंबर नहीं याद रख सकते तो फिर भी पहले वाले सीरीज़ का तो याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग NCERT पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो 12th क्लास के लिए 3D सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12th क्लास में हम लोग डिटेल में 3D सीरीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना है 3D सीरीज़ का हम लोगों को। इसीलिए 3D सीरीज़ 12th क्लास के लिए स्पेशली पता होना चाहिए, वो भी एटॉमिक नंबर और सिंबल के साथ में, ये टोटल पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ वर्ड यूज़ करेंगे, क्वाइनेज मेटल क्या होते हैं, नया नया बात सीखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे उस पर। और एक बात, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि मतलब सब्सक्राइब कर दिया वीडियो देखे नहीं, तो वीडियो देखिए, जब तक वीडियो नहीं देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को देखिए, समझिए, पॉज करिए, उसके बाद अगर समस्या है तो भी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम हट जाते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, उसको बनाइए, ड्रॉ करिए 2-3 बार, उसके बाद लर्न करिए।